Now, this is the lesson 2 of chapter number 1. Now, earlier we have discussed about the object-oriented programming. It was coined by Alan Kay. It is a technique based on the concept of objects. And these objects contain the data member and mapper functions. The purpose of object-oriented programming is to increase the flexibility and maintainability of programs. What does object means? Object basically kya tha? Hum kehte hain ki object-oriented programming mein हर चीज़ जो है एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है. लाइक रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, ऑल द रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, वेदर इट इज़ वेदर ह्यूमन बीइंग, कोई भी आप चाहे एक पेशेंट एडमिट है, चाहे आप होटल में किसी रिजर्वेशन के लिए जा रहे हो, तो हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है. सपोज़ आप स्कूल में एडमिशन के लिए आप अपनी फ़ीस जमा कराने के लिए जाते हो, आप एडमिशन नंबर देते हो, उस सॉफ्टवेयर के लिए वो बच्चा एक ऑब्जेक्ट है. एडमिशन नंबर देते हो आप, फीस आपकी जमा होती है, उस सॉफ्टवेयर के लिए वो बच्चा एक ऑब्जेक्ट है. सो दैट्स वे वी कॉल इट. जितनी भी प्रोग्राम्स बन रहे हैं, लैंग्वेजेस आ रही हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आ रही हैं, ऑल दीज लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट लैंग्वेज. नाउ लेट्स गो टू द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. क्लास, we call class is a blueprint from which the number of objects can be created, and each object has its own data member and mapper functions. What does the meaning of a blueprint? Blueprint हम एक सांचे की तरह कहेंगे जहाँ पर हम बहुत सारे objects create करते हैं. तो हर एक object के पास अपनी अपनी data member and mapper function होते हैं. For example, आप class ले लो कि भाई आप suppose school में एक class है, 8th class है या 9th class है, उसकी क्लास की स्ट्रेंथ नियर अबाउट 38 या 40 स्टूडेंट्स है. इट मींस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर क्लास, ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट्स. वो जो उस क्लास के अंदर जो 38 या 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर एक बच्चा अपने एक ऑब्जेक्ट है. और हर एक बच्चे के पास दो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ अ कैलिबर एंड द एफिशिएंसी, लाइक द अमाउंट ऑफ एफर्ट, द लेवल ऑफ एफर्ट्स दैट ही एंड शी पुट टू स्कोर गुड मार्क्स. जो कैलिबर किससे प्रूव होगा? जितने वो बच्चा एफर्ट्स करेगा. ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें हैं, दैट इज अ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस. हम बेसिकली कहते हैं व्हाट आर द टू एट्रीब्यूट्स ऑफ ए क्लास, दैट इज अ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस. ये डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस ऑब्जेक्ट के पास होता है. दीज डाटा मेंबर्स विल बी असिस्ट और मैनिपुलेटेड बाय द एसोसिएटेड मेंबर फंक्शंस. नाउ नेक्स्ट वन इज ए ऑब्जेक्ट. Object is a real world entity. Real world entity or identifiable entity. And identifiable में मतलब उसकी अपनी एक पहचान है, जिसके पास अपने ही characteristics and behavior है. Object is an identifiable entity with some characteristics and behavior of its own. Like अगर मैं कहूँ fruit is a class and it has the number of objects like banana, mango, lemon. Banana, mango, apple, pineapple, all these are the different objects which belongs to the class fruit. अब apple के लिए आप कहें कि apple किस purpose के लिए use किया जाता है. apple के data members क्या है? apple yellow रंग का होता है, red color का होता है, और and मीठा होता है. और किस purpose के लिए use किया जाता है? as a raw food we eat, as a like a, and apple juice भी हम लेते हैं. for jam purpose we use. तो किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज़ अ बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और उसका रंग क्या है? मीठा है. ये है उसके स्टेट एंड करेक्टरिस्टिक्स. लाइक अगर हम डॉग ले लें एग्जांपल्स, एनिमल में एक ऑब्जेक्ट लें, डॉग. एनिमल इज़ अ क्लास और डॉग क्या है? ऑब्जेक्ट. अब डॉग के नेम, ब्रीड, कलर, दीज आर द स्टेट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डॉग. एंड बिहेवियर and the functions of a dog is barking, wagging the tail and the running. These are the functions of a dog. तो object क्या है? एक identifiable entity जिसका अपनी एक पहचान है और उसके पास कुछ अपने data members हैं और कुछ behaviors हैं. And these data members will be manipulated by the associated member functions, the its own member functions. Let's go to the concept of principles of object-oriented programming. First principle is abstraction. Abstraction means dealing with essential features without including the background detail. Background detail, here it means, suppose you are working on the computer system.
You should know how to enter the data into the computer system, how to get the information from the computer system. Now, this is an abstraction. You should not have any concern with the matter how this data will be processed by the computer. इस पे कैसे काम किया जाएगा, प्रोसेसिंग कैसे होगी, रैम कैसे चल रही है, प्रोसेसर कैसे चल रहा है. यू शुड नॉट हैव एनी कंसर्न. यू शुड नो हाउ टू एंटर द डाटा, हाउ टू गेट द इन्फॉर्मेशन. सपोज आप लाइब्रेरी में, एक बच्चा जाता है और जाके लाइब्रेरियन को कहता है कि मेरे को बुक इशू करानी है. लाइब्रेरी में पूरी किताब नहीं पढ़ती, लाइब्रेरी देखते हैं कि भाई बच्चे ने कौन सी बुक इशू करानी है, डेट किस डेट को इशू करा रहे हैं, बच्चे का एडमिशन नोट नंबर नोट करना और रिटर्न डेट करना है, और बुक का नाम लिखेंगे, पब्लिशर या बुक का नाम. तो दीज आर द फोर और थ्री और फोर थिंग्स विच शी है ही और शी हैज़ टू डील विद. तो दिस इज एन असेंशियल फीचर्स, डीलिंग विद असेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मीन्स डिराइविंग और क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, एंड दिस न्यू क्लास विल हैव इट्स ओन फीचर्स अलॉन्ग विद द फीचर ऑफ इट्स पेरेंट्स क्लास. मतलब पेरेंट क्लास से एक नई क्लास बनाना, जिसे हम सब क्लास भी कह सकते हैं, डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं. और इस सब क्लास यानी कि डिराइव्ड क्लास के पास कुछ अपने फीचर्स भी होते हैं और अपने पेरेंट्स के. लाइक आप एग्जांपल के तौर पे देख लो, लाइक योर पेरेंट्स, यू आर द चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू आर हैविंग योर ओन फीचर्स एंड सम ऑफ द फीचर्स यू हैव बिलोंग्स टू योर पेरेंट्स क्लास. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन इनहेरिटेंस. इसमें बेसिकली क्या है, बेनिफिट क्या हो जाता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स. वी सपोज वी हैव डिफाइंड सम सेट ऑफ कोड्स इन ए प्रोग्राम एंड दीज कोड्स विल बी इन्वोक्ड और कॉल्ड बाय द प्रोग्रामर नंबर ऑफ टाइम्स बाय यूजिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स. अलग अलग पैरामीटर्स के साथ, अलग अलग वैल्यूज के साथ उन सेट ऑफ कोड्स को हम बार बार प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं. इट मीन्स रिडंडेंसी नहीं होगी, यानी कि बार बार उस कोड्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी. वंस द कोड इज डिफाइंड एंड लेटर ऑन दीज सेट ऑफ कोड्स कैन बी कॉल्ड बाय द यूजर नंबर ऑफ टाइम्स विच रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी ऑफ कोड्स, रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट्स. एज आई हैव टोल्ड यू, वंस इट इज डिफाइंड इट कैन बी कॉल्ड नंबर ऑफ टाइम्स. बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ईजी टू डीबग. इट मीन्स इफ एनी एरर अकर्स इन द प्रोग्राम इट कैन बी रिमूव्ड, इट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोग्रामर इजिली. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स. इट मीन्स डिफाइनिंग द नंबर ऑफ फंक्शंस बाय यूजिंग द सेम नेम बट विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स. The task performed by all the functions will be different from each other. Now take an example of it. Volume. हम cube का भी volume निकालते हैं, cuboid का भी volume निकालते हैं, sphere का भी volume निकालते हैं. It means all the three objects need the function that is a volume. But cube के volume निकालते समय हमें variable चाहिए होंगे c into c into c. While in case of cuboid, we need l into b into h. And in case of sphere, we need 4 upon 3 pi r square h. It means सभी के कार्य का नाम क्या है, volume. Functions का नाम क्या है, volume. But उनके पास parameters क्या हैं, एक के लिए c into c, एक cuboid के लिए l into b into h, और sphere के लिए 4 upon 3 pi r square h. It means the name of all these objects, the name of the function of all these objects will be same, but the task performed by all the functions will be different from each other. Why? Because the parameters that it has is different. Let's go to the encapsulation. Encapsulation means the wrapping up of data member and member function as a single unit is known as encapsulation. As I have told earlier in a class, in the definition of a class contains the number of objects. Each object has its own data member and member functions. These data members will be assessed by its associated member functions. Yani ek class mein bahut sare objects hain aur har ek object ke paas apni do cheeze hain, data member and member functions, and its data members will be assessed by its associated member functions. Usko koi aur external functions us pe kaam nahi kar sakte hain. So in this case, encapsulation means here it protects the data members and the member methods. It doesn't allow the data members to be assessed by the external methods. This process of hiding the data of an object or function is known as information hiding.
ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा मेहनत करे, मेहनत कोई और करे, नंबर कोई और ले. इट मीन्स हिज और हर कैलिबर विल बी प्रूव्ड बाय द एफर्ट्स डन बाय हर. इसका मेन एडवांटेज है, ए क्लास विल हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर ओवर व्हाट इज स्टूडेंट्स फील्ड्स. फील्ड्स मतलब वेरिएबल्स. उन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू पड़ा है उसको हम, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा. इट विल नॉट बी असेसिबल बाय एनी एक्सटर्नल फंक्शंस. नाउ लेट्स गो टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेटर्स. व्हाट डज द ट्रांसलेटर्स मीन्स? ऐसे हमने पहले डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में. मशीन लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन थी वो मशीन लैंग्वेज थी, जिसमें यूज़र जो प्रोग्रामर है इट्स ही इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर बाय यूजिंग ए मशीन लैंग्वेज, दैट इज़ बाय यूजिंग जीरो एंड वन. सो दैट्स व्हाई देर वॉज नो नीड ऑफ एनी ट्रांसलेटर इन इट. वन इन केस ऑफ सेकेंड जनरेशन देर वॉज एन असेंबली लैंग्वेज. इन असेंबली लैंग्वेज सम मनीमोनिक कोड्स वर डिज़ाइंड. And these mnemonic examples of mnemonic codes were add for addition, sub for subtraction, div for division, and the computer was not able to understand these codes. So that's why in case of assembly language, assembler named software was designed, and its software was, it's the main of this software was to translate the assembly language into the machine language. Now in the third and fourth generation. Now the user was, the programmer was interacting with the computer by using a high level language. High level language means which is very close to the human beings. जो हमारी ही भाषा में हो तो हम उसी भाषा में कंप्यूटर के साथ डील करने लगे. बट कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को नहीं समझता. सो दैट्स वाई इन केस ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस सम ट्रांसलेटर्स वर डिज़ाइंड एंड द जॉब ऑफ दीज ट्रांसलेटर्स वॉज टू कन्वर्ट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इन टू द मशीन लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. दीज आर देर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स. फर्स्ट वन इज अ कंपाइलर, सेकेंड वन इज एन इंटरप्रेटर. द कंपाइलर, द जॉब ऑफ अ कंपाइलर वॉज टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इन टू द मशीन कोड इन वन अटैम्प्ट. वो एक ही बारी में सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज कर देता था. सोर्स कोड बेसिकली क्या है? द प्रोग्राम विच इज डिजाइंड बाई अस, दैट इज जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाते हैं, दैट इज ए सोर्स कोड. इट मीन्स द प्रोग्राम डिजाइन बाय ए प्रोग्रामर, दैट इज ए सोर्स कोड. तो उसको मशीन की भाषा में चेंज करके आगे प्रोग्राम देता है. नाउ इंटरप्रेटर क्या करता है? इट टेक्स द वन लाइन ऑफ अ सोर्स कोड एंड कन्वर्ट इनटू द मशीन कोड एट वन टाइम. इट टेक्स वन लाइन ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम एंड कन्वर्ट्स इनटू द मशीन कोड. इफ एनी एरर अकर्स इट विल जनरेट एन एरर मैसेज एंड द यूजर हैज टू रेक्टिफाई द एरर एंड देन दिस प्रोसेस विल गो फर्दर. कंपाइलर इंटरप्रेटर में यही फ़र्क है. कंपाइलर एक समय पर ही सारे सोर्स कोड को एक ही बारी में मशीन कोड में बदल देता है, और इंटरप्रेटर एक लाइन उठाता है सोर्स कोड की, उसको मशीन कोड में चेंज करता है. और अगर कहीं एरर आ जाता है तो यूज़र द प्रोग्रामर हैज़ टू मेक करेक्शन इन द एरर, देन इट विल कॉन्टिन्यू इट्स प्रोसेस अगेन. आई थिंक सो दीज द डेफिनेशंस आर मोर क्लियर टू यू इन दिस चैप्टर.